इसी के साथ अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नवाब सिंह हैं हमारे साथ यूपी से, स्वागत है आपका, बोलिए। दो साल से दर्द है, कहाँ पर दर्द है सिंह साहब? पैरों में है? बाएं हिस्से में, बाएं हिस्से में नीचे की तरफ, हाथों में, पैरों में? हाथ और पैर में। ठीक है ठीक है, दोनों साइड में। अपना बहुत ख्याल रखा करिए। और देखिए, दर्द के लिए एक ऐसा रॉ मटेरियल, उसे ज़रा सा परेशानी होगी, असली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जो 10-12 रुपए रोज़ की दवा है। इसे कहते हैं गोंद स्याह, काला गोंद। ये इंतहाई कड़वा होता है, यानी नीम करेला इसके आगे कुछ भी कड़वाहट नहीं रखते, और अक्सर नकली भी मिलता है। असली अगर मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं पूरन जी, बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार, हकीम साहब से बात करनी है हमको। जी आदाब पूरन साहब। हकीम साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारी वाइफ थी, उनके घुटनों में दर्द था, उन्होंने एस के दवाई लिया था, तो अब वो एकदम ठीक हो गई हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तकलीफ उठाई, धन्यवाद के लिए। एक सवाल और था आपसे। जी जी, मेरे भी घुटनों में दर्द है, क्या मैं भी एस के ले सकता हूँ? ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, एस केयर हर जोड़, हर नर्व, हर डिस्क, कहीं भी दर्द हो तो संयम वालों का इलाज है। जैसे आपकी पत्नी ने धीरज रखा, क्योंकि ये 5-7 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू करती है। जिनको एलोपैथ की आदत होती है उनको बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन जहां आप 5-10 साल से परेशान थे, वहाँ आपने 2-3 महीने दवा ली और आपकी धर्मपत्नी को फ़ायदा हुआ। ऐसे ही आप भी सब्र रखें और 2-3 महीने लें। 1 महीने में भी किसी को फ़ायदा हो जाए तो 2-3-4 महीने भी ले सकते हैं, ताकि ये रोग वापस ना आ सके। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ जाता है आपके फीडबैक से, और हम लोग बहुत अपने अंदर ताकत तवानाई महसूस करने लगते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते किम साहब। जी आदाब दीपक साहब। किम साहब, मुझे एक सवाल करना था। मेरे जो राइट साइड का जो लेग है, उसमें नीचे की साइड स्कूटी चलाते वक्त मेरा पैर किसी टकरा गया था पत्थर के अंदर, तो तब से मेरा जो आगे का जो बड़ा वाला अंगूठा होता है उसका नाखून टूट गया था, तो तब से मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और मैं बहुत इलाज भी कराता हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। उसकी वजह से पूरे पैर में भी दर्द होता है, चला नहीं जाता उससे। देखिए, अंगूठा तो ठीक हो चुका है और उस एक्सीडेंट से तो इसका ताल्लुक है, लेकिन अंगूठे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जर्क आपके लगा था तो कमर में कहीं नर्व दब गई है, मेरे अनुभव के अनुसार। तो कुछ दिन आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लीजिए, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने खाएं, ताकि आपको हमेशा के लिए फ़ायदा हो सके। कॉलर नैनीताल से हैं भूपेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं आदाब जी। आदाब साहब, कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ सर। मैंने सर वो दवाई मंगाई थी, वो गोंद सिया आपने भेजा था आपने सर। मैंने दर्द गया था, मेरे हाथों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो आपने गोंद सिया भेजा था। उसके मैंने पहले बात उन्होंने बोला था हल्दी 75 ग्राम, अलसी 150 ग्राम, कलौंजी 75 ग्राम और सुगंधा 150 ग्राम, ये भी लेकर के मिला ले। ठीक है, जो देखिए, इसको आप अकेला भी ले सकते हैं, आधा आधा ग्राम या उससे कुछ कम सुबह शाम।
और ये सब चीज़ें अगर मिलाएंगे तो ये और पावरफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पाउडर बनाकर मिला लीजिए, फिर एक एक कैप्सूल यानी एक एक ग्राम खाना है। पहले अगर गौंसिया खालिस खाना हो तो आधा आधा ग्राम, और ये दवाएं मिला के खानी हो तो एक एक ग्राम। गौंसिया आधा आधा ग्राम दो बार खाते हैं अगर अकेला खाना हो, और इन चीज़ों को मिलाएंगे तो ये चीज़ें, ये इसका एक एक ग्राम तीन बार भी खा सकते हैं। थोड़ा संयम रखना, देखिए ये नुस्खा फ़ायदा करता है जो लोग संयम रखते हैं। और 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए, और अगर और ज़्यादा सब्र वाले हैं तो 1 महीना कुछ मत कहिए। 1 महीने में एक रिज़ल्ट आता है आपके सामने। जो शिद्दत होती है मर्ज़ की, जो परेशान करके तड़पा के रख देती है, पहले वो ख़त्म होती है। वो ख़त्म हो गई तो आप उसको बर्दाश्त करने वाले हो जाते हैं, फिर आप बड़ा इलाज भी कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो ये नुस्खा ख़त्म होने तक खाइए, यानी 3-4 महीने ये चलेगा। और इसको पूरा ख़त्म करके आप चैन लें, आपको रोज़ थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। अगले कॉलर पंजाब से हिमानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, बोलिए। मैं तो अपनी वो मम्मा के बारे में पूछना था। हाँ जी। उनके ना जोड़ों में दर्द होता है, जब उसको उठते हैं ना तो उनके जोड़ों में अकड़ा, जैसे कोनियों में, गोदों में ना अकड़ा हो जाता है। जी, एज क्या है उनकी? उनकी 50। जी हाँ। देखिए, आप देख रहे थे कि अभी एक फोन आया था, और वो संयम वाले थे, सब्र वाले थे। थोड़ा सब्र करें अगर आपकी मम्मी, तो ये कैप्सूल एस्केयर ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। और याद रहे कि 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। थोड़ा ये मतलब दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है। और जो लोग संयम रखते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। किसी को फ़ायदा नहीं भी होता जल्दी तो देर में हो सकता है। देखिए, हमारा काम है आपको ईमानदारी से मशवरा देना। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे मदद मांगिए, दुआ करिए और दवा वक्त पर लीजिए। और सब्र वाले, संयम वाले लोग भगवान को पसंद हैं। आप ये शुरू करें और खूब दुआ करें। आप उनकी बेटी हैं, ज़रूर दुआ सुनेगा ऊपर वाला, और उनको ठीक होना मुमकिन है। अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दीजिए। और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो ये वेस्टर्न टॉयलेट तो आपके अपने घर में, तो उसको लगवाने की कोशिश करिए। गुजरात से हेतल, स्वागत है आपका। मैम, मुझे वैद्य से बात करनी है। जी करिए। जी अदावर, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन से हो रही है। तो मुझे खांसी का घरेलू नुस्खा चाहिए। जी। 2 दिन से खांसी वाले तो कभी हमें बात नहीं करते, लेकिन आपका एहसान कि आपने हमें फ़ोन किया। आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं पीपलें। ये गरम मसालों की जात की है, 1.5 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी फाइल है, पीपलें। आप लिख लीजिए पीपलें। अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में किसी और को पता होगा। अब ये पीपल आधी तोड़िए दांत से, और इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर घुमाते रहिए, चूसते रहिए, फिर ये नरम हो जाएगी। फिर इसे चबा के खा लें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन की खांसी 2 दिन में भी ठीक होना मुमकिन है। राजस्थान से अगले कॉलर जगदीश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। अकीन साहब बिराज रहे हैं? जी आदाब प्रोहित जी। आदाब आदाब अकीन साहब, आदाब। जी जी, फरमाइए प्रोहित साहब। सर, मेरे मिसेज को घुटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शुगर भी है। ठीक है, एज कितनी है? एज तो है 67। ठीक है। अच्छा, देखिए चाहे तो एक एक करके इलाज करें या अलग अलग भी, एक साथ भी कर सकते हैं।
गोंद स्याह एक काले गोंद का नाम है जो ज़रा मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, तो असली लेना कड़वा बहुत होता है, बहुत ही कड़वा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। ये अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ आप उन्हें दिया करें, और पाँच से दस दिन सब्र करें, थोड़ा 5 या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। और किसी किसी को ज़रा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है, तो इत्मीनान रखें। ये 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। आपके घर में अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो ज़रूर लगवा लें, ऐसे मरीजों के लिए चाहिए, नहीं तो बार बार वो मर्ज हो जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो फिर नहीं होता। और अगर ज़रूरी समझें तो जैतून का सिरका आता है, रात को 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास छोटे चाय के चम्मच मैडम को पिलाया करें, आप देखेंगे कि उनकी डायबिटीज़ भी स्थिर रहने लग सकती है। बस्ती से हैं शिल्पी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम हमारी 5 साल की बेटी है, मतलब बाथरूम बहुत ज़्यादा करती है, 10-15 मिनट में यहाँ। ठीक है ठीक है जी। 5 साल की बेटी? जी 5 साल की बेटी, तो खुद बच्ची लग रही है। हाँ देखिए, इस वक्त बाथरूम ज़्यादा आता है, जब हमारे हवा में मॉइस्चर होता है तो बाथरूम ज़्यादा आता है। फिर भी अगर आप चिंतित हैं तो सौंफ का पानी निकाल लें रोज़ाना थोड़ा सा, और उस बच्ची को पिला दिया करें। बच्ची का बाथरूम आना ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। अगले कॉलर आगरा से कुसुम सक्सेना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी कुसुम जी, सवाल क्या है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। आदाब। मैं डॉक्टर ये पूछना चाह रही थी, मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया था, उसका लेने का क्या तरीका, लेना किस तरह, कैसे लेना है मुझे? किस रोग के लिए मंगाया था आपने? जैतून का सिरका मंगाया था डॉक्टर मैंने दिल्ली आपके वहीं से। डायबिटीज के लिए मंगाया था? नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसके चक्कर पर से। ठीक है। और एक मेरा ये डॉक्टर कि मेरे पैरों में ना दाग बहुत हो रहे, एक सही होता दूसरा दाग निकल जाता, दूसरा होता तो तीसरा दाग निकल जाता, दाग हो रहे हैं। ठीक है, ये आप 3 चम्मच 3-4 चम्मच पानी में मिलाकर छोटे चाय के चम्मच रात को खाने के बाद आप ले लिया करिए। और इसकी तासीर ये है कि आज से आप लेंगे तो आज से ही फ़ायदा शुरू करेगा, और बहुत जल्द आपकी नींद ना आने की शिकायत दूर हो सकती है। आप पहले दिन से ही इतना इत्मीनान होगा, सुकून बहुत देता है, दिमाग को सुकून देता है, और आप आज से शुरू करेंगे आप देखेंगे कल से ही आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपका दोबारा फ़ोन आए ये बताने के लिए कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। दांत के लिए आप ये जो खाने का सोडा है इसमें आधी चुटकी मिला लिया करिए जैतून के सिरके में रोज़ाना, आधी चुटकी मतलब ये, तो आपका दांत भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर से ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मेरे ना पिंड से ना आके इमला गल करनी है, दाने जे बन गए, जखम फैल जे दाग बन गया चिट्टे चिट्टे, चेहरे पे दाग हैं जी, चिट्टे चिट्टे दाग हैं शरीर पे, ठीक शरीर पर भी बोल रहे हैं? हाँ जी शरीर पर भी, सफेद दाग बोल रहे हैं? सफेद दाग नहीं, चित्ते चित्ते दाग पड़ गए हैं चेहरे और शरीर पे। अच्छा झाइयाँ जी। देखिए झाइयों का अच्छा नुस्खा है, आप वो ले सकते हैं। एक नारियल पानी खरीदें रोज़ाना, और उसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद, एक आता है सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा, लाल वाला मत लेना वो नकली होता है, उसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना डालकर 1 नारियल पानी में रोज़ाना पी लीजिए, आपका चेहरा एकदम साफ साफ होगा, चेहरा पर रौनक आएगी और आप
कि बालों को भी फायदा होता है इससे, और जितने भी दाग हैं वो आपके ठीक होना मुमकिन है।